रहे हैं। शुभम, वहां पर किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स में साफ तौर पर कि अब उन तमाम अधिकारियों को के साथ खुद जो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के जो कानून व्यवस्था है उनका जिनका जिम्मा जिनके पास रहता है, सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी जिनके पास रहती है, वो तमाम अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके कह सकते हैं आपकी जो खास तौर से राजधानी लखनऊ के जो इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादातर कभी जब तनाव की स्थिति रहती है तो वो स्थिति अब ऐसे में चूँकि अलर्ट है तो ऐसे में ना आने पाए, इन्हीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खुद कमान संभाल रहे हैं एसीएस अवनीश अवस्थी और उनके साथ उत्तर प्रदेश के पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी ये बड़ी और अहम बैठक ले रहे हैं। इन बैठक में किन चीजों पर नजर रखी जा रही है वो आपको बता दें, क्योंकि बहुत से ऐसे नाम हैं इन क्षेत्रों में जिनके ऊपर खास तौर से उत्तर प्रदेश की पुलिस की नजर रहती है, क्योंकि ये कुछ ऐसे नाम होते हैं कि जब इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है तो ये सबसे पहले आगे आकर के स्थितियों को बिगाड़ने का काम करते हैं। तो उन लोगों की सूची तैयार की जा रही है, क्योंकि जब जुलूस निकलेंगे, जब स्थितियां आने वाले दिनों में त्यौहार जब अलविदा की नमाज होगी तो एक कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं, तो ऐसे में जो शरारती तत्व हैं वो अपना काम शुरू करते हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि अंदर जाने के लिए यहाँ पर प्रयास करते हुए, लेकिन अभी पूरी तरह से मना कर किया गया है। और विजुअल्स में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सामने इस वक्त एडीजी एलओ प्रशांत कुमार और उनके साथ कमिश्नर लखनऊ डीके ठाकुर और एसीएस होम अवनीश अवस्थी मौजूद हैं और ये अहम बैठक चल रही है। इस बैठक का साफ और मकसद यही है कि अब जब आने वाले दिनों में राजधानी लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में इन जगहों पर जुलूस निकाले जाने हैं तो किसी भी तरह की कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए। बिल्कुल, जुलूस भी निकाले जाएंगे और जिस तरीके से जहांगीरपुर में जो घटना सामने आई शुभम, उसके बाद बड़ा सवाल ये हो जाता है कि सतर्कता बरतनी भी जरूरी है, क्योंकि बीते 15 दिनों में 3 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, तो क्या जुलूस के जो मार्ग हैं उनको देखा जाएगा कि किस किस मार्ग से किन किन पॉइंट से होते हुए जुलूस निकल रहे हैं, क्या ये रूपरेखा भी तैयार होगी? निश्चित तौर पर देखिए कि एक पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि जब ये सारी चीजें होनी है, साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि जो जुलूस पहले से ही प्रायोजित है उनको ही सिर्फ नियम के अनुसार उनको ही परमिशन दी गई है, जो भी नए शुरू होने वाले हैं, जो भी नए आवेदन कर रहे हैं उनको किसी भी तरह से आने वाले दिनों में अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में जो प्रमुख तौर पर जुलूस निकाले जाते हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उस दौरान कैसे क्या मॉनिटरिंग होनी है, कैसे क्या ड्रोन के माध्यम से मॉनिटरिंग की जानी, तो ये तमाम अहम पहलू हैं जिनके माध्यम से जरूर कहीं ना कहीं सुरक्षा को बेहतर तरीके से बेहतर वातावरण में जो भी त्योहार होने हैं वो किसी भी तरह से सौहार्द ना बिगड़े, इन्हीं तमाम चीजों पर फोकस है उत्तर प्रदेश की पुलिस का, इंटेलिजेंस का। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा आशंकाएं उत्तर प्रदेश में जताई जा रही थी, जैसा कि गाजियाबाद और एनसीआर के इन इलाकों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति दिखी। इन्हीं तमाम हालातों का जायजा लेते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी ने समय रहते इन्हीं तमाम चीजों अहम बिंदुओं का ज्यादा लेते हुए ये कह सकते हैं कि आप इन्हीं तमाम बिंदुओं पर ध्यान देते हुए अलर्ट जारी किया था, यानी कि पूरा अलर्ट जारी किया गया था और उस अकॉर्डिंगली रोड मैप भी तैयार हो रहा है। शुभम, ये बात भी यहाँ पर ध्यान देने वाली है, क्या संवेदनशील अति संवेदनशील इलाके इस तरह के इलाकों को चिन्हित किया जाएगा और जो संवेदनशील अति संवेदनशील इलाके होंगे क्या वहां पर जुलूस जाने की अनुमति होगी? बिल्कुल, देखिए अलग अलग जोन तैयार किए जाएंगे, अलग अलग कई लेयर्स में सिक्योरिटीज हो सकती है जैसा कि बताया जा रहा है, क्योंकि जब ये अलर्ट जारी किया गया उस दौरान से ही तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इंटेलिजेंस के खास तौर से इन जगहों पर पहले दिन से ही नजर थी जहां पर स्थितियां अनियंत्रित होने की उम्मीद रहती है, तो ऐसे में जब ये जुलूस निकाले जाने हैं तो ऐसे में वहां पर कौन से लोग किन किन लोगों के जुलूस अलग अलग, क्योंकि अलग अलग समुदाय अलग अलग संगठन होते हैं जिनके अपने अलग तरीके से जुलूस निकलते हैं, तो उनका रोड मैप उस दौरान क्या रहेगा, ज्यादा भीड़ ना इकट्ठा हो एक जगह पे हो, और इसके साथ साथ जो उपद्रवी तत्व हैं, शरारती तत्व हैं, जो उनको चिन्हित करते हुए अगर कुछ भी किसी भी तरह से कुछ भी लोग अगर बाहर हैं तो उनको समय रहते पहले से ही उनको ऐसे स्थान पर पहुंचा देना जिससे कि उस दिन की स्थितियां किसी भी तरह से अनियंत्रित ना हो। तो इस बैठक का साफ तौर पर मकसद समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब ये स्थितियां आने वाले दिनों में जब भी ये बड़े त्यौहार होने हो तो उस दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े। यहाँ की तस्वीर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है, ये चौक थाना है और यहाँ से नखास बगल में है, वो इलाके आसपास है जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र